मैं खबर सिंह लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि है रूपाली पटेल को लेकर। जी हाँ, तो आइए आपको उस बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। उससे पहले प्लीज दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान तो सकें। और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये जो लेडीज हैं इनका नाम है रूपाली पटेल। इनके पीछे जो है वो जो नदी है वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा नदी है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरी भारत में बाढ़ ने तबाही मचा के रखी है, और जाहिर सी बात है कि जब पूरे भारत में जब बाढ़ ने तबाही मचाई है तो नर्मदा नदी में भी पानी का जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जैसा कि हमने देखा होगा कि जब भी कोई नदी उफान पे होती है तो लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कुछ वैसा ही हुआ आज रूपाली पटेल के साथ। जी हाँ, रूपाली पटेल अपने भाई के घर से राखी बांध के आ रही थी। तभी जब वो वापस अपने घर जा रही थी तभी उनके जो हस्बैंड हैं और वो एक ही बाइक में जा रहे थे, तभी रास्ते में नर्मदा नदी पड़ती है। तभी रूपाली पटेल गाड़ी रुकवाती हैं, अपने हस्बैंड से कहती हैं कि चलिए सेल्फी ले लिया जाए। तो उनके हस्बैंड कहते हैं चलिए ठीक है। और जैसे ही हस्बैंड और वाइफ ने सेल्फी ली, यानी कि रूपाली पटेल उनके हस्बैंड ने सेल्फी लिया, उसके बाद सेल्फी लेने के बाद अगर यहाँ पे ये लोग वापस चले जाते तो शायद रूपाली पटेल आज हम सबके बीच होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे उनके हस्बैंड ने और उनकी वाइफ ने जब सेल्फी ली, उसके बाद रूपाली पटेल ने अपने हस्बैंड से कहा कि वो एक सिंगल फ़ोटो खींच दीजिए। तभी उनके जो हस्बैंड हैं वो एक सिंगल फ़ोटो खींचने के लिए वो उनकी जो वाइफ है वो पुल की रेलिंग पर बैठ जाती हैं। जी हाँ, और पुल के पीछे जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैठी हुई हैं इसमें पुल की रेलिंग पे, और पुल के पीछे ही नर्मदा नदी का बहाव है जो कि काफ़ी तेज़ है। तभी सिंगल फ़ोटो के लिए उनके हस्बैंड फ़ोटो खींच रहे थे उधर साइड, और वहीं दूसरी ओर उनकी जो वाइफ हैं वो वहीं बैठी हुई थी, फ़ोटो खींच गई। लेकिन तभी फ़ोटो खींचने के बाद जैसे ही वो वापस पैर रख रही थी और पैर करते पैर फिसल गया और वो पीछे की ओर गिर गई, जिसके चलते वो नर्मदा नदी में बह गई। शेयर करना वीडियो ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में